गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज अवर टॉपिक इज मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स मूसला मूल के रूपांतरण। तो हम आपको बताएंगे कि मूसला मूल क्या होती है और इनका रूपांतरण किस प्रकार से होता है। विभिन्न कार्यों के लिए मूसला मूल अपने अलग अलग आकार ग्रहण कर लेती है, उसी आकार के आधार पर इनको विशेष नाम दिया गया है। मूसला मूल के बारे में बता चुके हैं कि जो बीज होता है उसमें जो भ्रूण है, भ्रूण के मूलांकुर भाग से निकलती है और सीधी लंबाई में वृद्धि करती हुई चली जाती है, उसको मूसला मूल कहते हैं। इसके बारे में पढ़ चुके हैं, मूली है, गाजर है, सलजम है, चुकंदर है, ये सभी क्या है, मूसला मूल होती है। इसमें प्राथमिक मूल, फिर द्वितीयक और फिर तृतीयक, तीनों मिलकर के क्या बनाती है, मूसला मूल तंत्र। टैप रूट इज अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एंड ग्रो अंडरग्राउंड टुवर्ड ग्रेविटेशनल सेंटर। इट बिकम लॉन्ग एंड थिक कॉल्ड प्राइमरी रूट ऑन विच ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स सेकेंडरी एंड ऑन सेकेंडरी ए टर्सरी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट कंबाइंड टू फॉर्म टैप रूट सिस्टम। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। फर्स्ट है अपना फ्यूजीफॉर्म तर्कु रूप। फ्यूजीफॉर्म तर्कु रूप, मूसला मूल की तर्कु रूप जो होती है, इसमें जो प्राथमिक जो मूल होती है, पहली जो सबसे पहले निकलती है प्राथमिक मूल, वो भोजन संचय करने के कारण मध्य भाग में से फूल जाती है। जब वो भोजन संचय कर लेती है तो मध्य भाग में से फूल करके मोटी हो जाती है और इसके जो दोनों किनारे होते हैं वो सक्रिय होते हैं। उदाहरण के रूप पर आप मान लेंगे मूली। फॉर स्टोरेज ऑफ फूड द प्राइमरी रूट बिकम्स स्वालो इन मिडल पार्ट एंड टेपरिंग इन बोथ एंड्स, ग्रेजुअली टेपरिंग टुवर्ड्स बोथ द एंड्स एज इन रेडिश। तो आप यहां इसको डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो ये क्या है, रेडिस, ये अपनी फ्यूजी फॉर तर्क रूप, इट बिकम स्वेलो इन अ मिडिल पार्ट। तो ये अपनी क्या है, ये रेडिस हो गई। तो ये अपने उसको क्या बोलेंगे, फ्यूजी फॉर तर्क रूप। इसका आकार कैसा होता है, तर्कु, दोनों किनारों पर सक्रिय होती है लेकिन मध्य भाग में से ये ज्यादा फूली हुई होती है। सेकेंड अपना शंकु रूप।
शंकु रूप जो मूसला मूल होती है ये शंकु के आकार की होती है, जैसे अपने मैथ में पढ़ते हैं ना कोन, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो कोन शेप, तो उसको कोनिकल शेप या कोन फॉर्म बोलते हैं, कोनिकल रूट्स। तो ये शंकु के आकार की हो जाती है, जो सिरों पर तो चौड़ी होती है, यानी ऊपरी सिरा जो है ना, मुख्य जो सिरा होता है ना ऊपर वाला, उस पर तो कैसे होती है चौड़ी, और फिर लगातार धीरे धीरे नीचे की तरफ सक्रिय होती चली जाती है। तो ये भी भोजन संचय का रूप है, खाद्य संचय करने की वजह से मूसला मूलों का ये रूपांतरण है। दीज रूट जस्ट लाइक ए कोन, कोनिकल रूट इज जस्ट लाइक ए कोन, दे बिकम ब्रॉड इन अपर एंड, दे बिकम ब्रॉड इन अपर एंड, ऑन अपर एंड, एंड ग्रेजुअली टेपरिंग towards as the lower ends as in a carrot। तो आप कैरेट को देखेंगे यहां पर, दिस इज कॉन्सेप्ट, इट्स बेसल पार्ट बिकम ब्रॉड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड एंड ग्रेजुअली टेपरिंग टुवर्ड्स द लोअर एंड, सो इट इज कॉल्ड कॉनिकल फॉर्म। ये आपकी सेकेंड हो गई। थर्ड है आपका नेपी फॉर्म रूट, नेपीफॉर्म कुंभी रूप, कुंभ मात्र होता है घड़ा, जैसे मटके का आकार होता है ना घड़े का आकार, उसी प्रकार से इसका भी आकार कैसा होता है घड़े के समान हो जाता है, भोजन संचय की वजह से घड़े का रूप ये ले लेती है। इसमें जो प्राथमिक मूल होती है कुंभी रूप में, वो भोजन संचय करने की वजह से गोल कुंभ मटके घड़े के आकार के रूप में हो जाती है, और निचला सिरा कुछ ज्यादा ही सकरा हो जाता है, अत्यंत सकरा हो जाता है, जैसे कि सलजम है, चुकंदर है आदि। द प्राइमरी रूट बिकम ऑलमोस्ट स्फेरिकल, द प्राइमरी रूट बिकम ऑलमोस्ट स्फेरिकल एट द बेस एंड सडनली टेपरिंग टुवर्ड्स द लोअर एंड, सडनली टेपरिंग टुवर्ड्स द लोअर एंड, एग्जाम्पल टर्निप एंड बीट, टर्निप एंड बीट। तो आप टर्निप और बीट के भी सकसुर देख सकते हैं,
in turning. It is the modification of a tap root in which the primary root for storage of food become swallow and take a such shape, and its lower end gradually tapering, almost tapering, is called nappy form. Clear? And fourth है new metaphor श्वसन मुने तो श्वसन मुने ऐसे स्थानों पर जैसे राइजोफोरा है, एविसिनिया है, ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर दलदल, कीचड़, मार्सी एरिया ज्यादा होता है, तो वहां पर उसमें ऑक्सीजन वायु नहीं होती है, तो इन पादपों की जो जड़ें होती हैं राइजोफोरा की, वो नीचे से जमीन में से ऊपर की तरफ निकल आती हैं और उन जड़ों पर क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, जिससे वातावरण से गैसों का आदान प्रदान कर लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं, यानी कह सकते हैं ऑक्सीजन ग्रहण करेगी तो क्या करेंगे, श्वसन ही तो लेंगे, तो ऐसी मूनों को श्वसन मूने कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जमीन में से बाहर निकल आती खूंटे के समान हो जाती है, तो ऐसी जड़ें को श्वसन मूने कहते हैं और किसमें पाई जाती है, राइजोफोरा में पाई जाती है, और ऐसी जो वेजिटेशन है, जो वनस्पति, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव प्लांट्स आर ग्रो इन सेलाइन मार्सी एरिया, सेलाइन यहाँ पर ज्यादा साल्ट होते हैं, मार्सी या दलदल होता है, मार्सी एरिया वेयर O2 इज एब्सेंट, क्योंकि O2 इज एब्सेंट इन मार्सी एरिया, होती ही नहीं है, सम ब्रांचेज ऑफ टैप रूट ग्रोज वर्टिकली, अभी डायग्राम बनाएं, ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स इनटू एयर, एयर निकल आती ऊपर की तरफ, ऑन टिप पार्ट्स ऑफ रूट माइन्यूट पोर्स आर फाउंड विच एब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फियर, एग्जाम्पल राइजोफोरा एंड एविशिनिया। तो ये अपने क्या हो गया, राइजोफोरा। तो राइजोफोरा वेजिटेशन में इस प्रकार की जो है न्यूमेटोफोर रूट है जो पाई जाती है। अब इसके साथ अपस्थानिक मूनों के रूपांतरण, उसमें अपने को डायग्राम नेसेसरी नहीं है, तो लेकर अपन जानेंगे अपस्थानिक मूल है, एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, जो अदर देन रेडिकल्स एंड प्राइमरी रूट इज हाईली रिड्यूस्ड, रिप्लेस ऑफ अदर रूट्स कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट, यानी कि अब स्थानिक अपने मूलांकुर को छोड़कर के तने के किसी भी आधार भाग अन्य भागों से निकलने वाली जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है, मूलांकुर से नहीं निकलती है, तो ये भी खाद्य संचय के कारण अलग अलग रूपों में हो जाती है, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड दे बिकम आल्सो इन डिफरेंट शेप एंड साइज, सो इट इज द कॉल्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। नंबर वन है इसमें कंदिल मूले, कंदिल का मतलब ट्यूबरस रूट, देखो नाम में देता हूं,
ट्यूबरस रूट, शकरकंद में अपस्थानिक मूलन जो होती है भोजन संचय के कारण फूल जाती है और एनिमित आकार की हो जाती है। तो एडवेंटिस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो स्टोरेज फूड बिकम सोलन, दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप। शकरकंद के अपन खाते कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, बट स्टोरेज फूड को स्टोर कर लेती है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शकरकंद, स्वीट स्वीट पोटैटो। सेकेंड है अपनी प्रोप मूल, प्रोप रूट, आपने बरगद में देखा होगा, बरगद की बड़े बड़ी डालों से बड़े बड़ी शाखाओं से नीचे की ओर लटकती हुई जड़ें पाई जाती हैं, जो तने को अतिरिक्त सहारा प्रदान करती हैं। ऐसी जड़ों को प्रोप रूट कहा जाता है। ये अपस्थानिक होती है, कहां से निकल रही है, डालों से शाखाओं से निकलती है। इन बेनियन ट्री थिक ब्रांचेज ऑफ द प्लांट arises a adventitious roots, they grow gravitational center and after enter into the soil they provide a mechanical support to the plants and stem called prop root। और थर्ड है अपना अब स्तंभ मूले stilt root, स्तंभ मूल है। गन्ना है और मक्का है, इसमें तने की जो निचली गांठें होती हैं जिसको नोड बोलते हैं, पर्वसंधि होती है, उससे भी क्या है जड़ें निकलती हैं और भूमि में धंस जाती है, ताकि वो अपने गन्ने के पादप को या उसको मक्के के पादप को गिरने से रोक सके। तो इसको भी सहारा प्रदान करने वाली जड़ें कहते हैं। लेकिन ये कहां से निकलती है, तने के निचले भागों से यानी उसकी पर्वसंधियों से निकलती है। बड़ी बड़ी शाखाएं तो होती नहीं गन्ने में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अब स्तंभ, स्तंभ माने तना, अब का मतलब उसके भागों से निकलने वाली। स्टिल्ट रूट्स इन सुगर केन एंड मेज प्लांट स्मॉल स्टाउट रूट, इन सुगर केन एंड मेज प्लांट स्मॉल स्टाउट रूट्स अराइज फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम और इट्स नोड, दे आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट ऑफ स्टेम इज कॉल्ड स्टिल्ट रूट। तो ये अपने स्टिल्ट रूट हो गया, आप समझ सकते हैं गन्ना है। तो ये क्या कहलाएंगे अपनी स्टिल्ट रूट। दैट्स ऑल, आज के बारे में काफी है। ओके थैंक्स।